डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो जो सिंबल ऑफ नॉलेज हों, तो उनके फोटो लगाने, उनकी मूर्ति लगाना नितांत आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हमारे साथ है एडवोकेट सुरेश चंद्र। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में देवी देवताओं की मूर्तियों से ज्यादा बाबा साहब की मूर्ति है, ऐसा क्यों है? बाबा साहब को लोग इतना क्यों मानते हैं? जहाँ तक आपका प्रश्न है, प्रश्न में ही उत्तर है। क्योंकि इस देश के जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, एक भी देवी देवता ने साक्षात सामने आकर के कोई मदद किसी भी आदमी की नहीं की है। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो संविधान है, संसार का सर्वोत्तम संविधान है, जो हमको दिया, उस संविधान के आधार पर बिल्कुल साक्षात होकर के हम लोग समानता का अधिकार मांग लेते हैं कि जितना अधिकार आपका है उतना ही मेरा है। स्वतंत्रता का अधिकार हम मांग लेते हैं कि भैया तुम बोलोगे तो हम भी बोलेंगे, जायज़ बात तुम बोलोगे जायज़ हम बोलेंगे, आपस में भाईचारा बनाने का हमको मौका दिया है। उसी में हम, मैं किस धर्म को मानने वाला हूँ, कोई किसी भी धर्म को मानने वाला है वो अपने अपने धर्म को मानने के लिए आज़ाद हैं, बशर्ते कि किसी दूसरे धर्म के प्रति कोई आलोचना का व्यवहार ना करें। तो जहाँ इतना बेहतर संविधान दे दिया हो, और मैं तो देखिएगा, मैं तो इतना उन 33 करोड़ देवी देवताओं से भी ज़्यादा मैं बाबा साहेब को मानता हूँ, और बाबा साहेब को इतना मानता हूँ कि उनको हर समय उनकी पहचान लिए फिरता हूँ कि बाबा साहेब जब भी किन्हीं भी लोगों के सामने पेश हुए, चाहे उनके दोस्त थे, दुश्मन थे, विरोधी थे, उनको चाहते थे, नहीं चाहते थे, तो उनके सामने जब भी पेश हुए, जब भी वार्तालाप हुआ, तो टाई और सूट बूट में ही हुआ। तो बाबा साहेब तो मेरे लिए आदर्श हैं, किसी देवता ने मुझे टाई सूट बूट नहीं दिया। इतना साफ सुथरा रहने का, इस उम्र में मेरे चेहरे पे चमक है, इस तरह की चमक देने का काम किसी देवी देवता ने नहीं किया। इवन देन मेरे माँ बाप भी रहे, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा तो किया, तो पैदा तो हर जीव जंतु करता है अपने बच्चे, लेकिन उनकी जिंदगी जो बना दे वही भगवान है। तो उन भगवानों से ज़्यादा ये सुपर भगवान हैं, इसलिए उनकी मूर्ति और उनके चित्र बहुजन समाज के तो हर घर में मिलेंगे। इसलिए भगवानों से सर्वोपरि हैं, इसलिए उनकी मूर्ति और उनके चित्र लोग पसंद करते हैं और अपने घरों में लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। और बाबा साहेब के चेहरे को देख देख करके ही गौरवान्वित होते हैं। बाद बाकी के लिए इस तरह का किसी भी व्यक्ति विशेष का और व्यक्तित्व का कोई व्यवहार नहीं है, जो बाबा साहेब के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार है। तो उनकी मूर्ति की भी पूजा, बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन मेरा भी। और आपने भी मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं बाबा साहेब को प्रभाषित कर सका हूँ, तभी तो संसार भर मानता है कि सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो जो सिंबल ऑफ नॉलेज हों, तो उनके फोटो लगाने, उनकी मूर्ति लगाना नितांत आवश्यक है। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।